देखिए, आज वार्ड संख्या 38 के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन हमारे वार्ड संख्या 38 के तमाम अभिभावकों और युवा साथियों ने मिलकर एक साथ किया है। आज मेरे अंदर जो मेरे वार्ड के मेरे अभिभावक और युवा साथियों ने मुझे जो आशीर्वाद रूपी शक्ति और ऊर्जा का मेरे अंदर संचार किया है, आज उससे मैं अभिभूत हूँ। मुझे लगता है कि आज का जो ये मैसेज है ये दूर तलक जाएगा और इसके परिणाम बहुत सुखद आने वाले हैं। मेरे अंदर एक उत्साह का माहौल है। मैं वार्ड के तमाम मेरे अभिभावकों और युवा साथियों का धन्यवाद देता हूं कि आज इस मेरे चुनावी कार्यालय को उन्होंने अपनी कार्यालय मानकर उसका उद्घाटन किया। कितना जन समर्थन मिलता दिख रहा है वार्ड के लोगों को? वार्ड के एक एक व्यक्ति का समर्थक है। सभी लोग मेरे अभिभावक, युवा साथी, मातृशक्ति, मेरी माताएं, मेरे बहनें, सभी का इतना उत्साह और इतना समर्थन देखकर मुझे लग रहा है कि वार्ड के अंदर कोई लड़ाई नहीं है, सीधा चुनाव जनता मोंटी जोशी को वोट देकर भारी मतों से विजयी बना रही है और कोई विषय नहीं है। जनता काम करने वाले कार्यकर्ता को, अपने सेवक को अपना प्रत्याशी के रूप में दायित्व देने का काम करेगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। क्या कहना चाहेंगे आज के इस मौके पर? आज के मौके पर मैं यही कहना चाहूँगा कि जो समाज को मैंने समय दिया, समाज के लिए मैं जो खड़ा रहा, समाज का जो मेरे ऊपर आशीर्वाद था, आज उसको समाज ने मुझे प्रलक्षित करके दिखाया है कि तुमने जो समाज को काम दिया उसका मेहनताना देने के लिए मुझे आशीर्वाद रूपी मेहनताना मेरे समाज के लोग दे रहे हैं। मैं तमाम युवा साथियों और मातृशक्ति माताओं, युवा सभी से निवेदन करता हूं कि आने वाले 28 तारीख को एक नंबर के ईवीएम के एक नंबर पर कलम दबात के छाप पर जब आप बटन दबाएंगे तो एक नंबर वार्ड संख्या 38 होगा। और मैं निवेदन पूर्वक फिर कहता हूँ कि मुझे 28 तारीख को एक नंबर पर बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनावे। और युवा साथी, अभिभावक, मातृशक्ति, मेरी माताएं, सभी से ये निवेदन करते हुए मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि आपके सेवक, आपके अनुज, आपके स्किल्ड लेबर हूं मैं। लेबर आप कुछ भी करेंगे, स्किल्ड लेबर के तरह मैं काम करूंगा। और समाज ने मुझे जो समर्थन और आशीर्वाद दिया है उस समाज मेरे कारण कभी समाज का सिर झुकने नहीं दूंगा, ये मैं उनसे वादा करता हूँ। देखिए, अभी वार्ड नंबर 38 जो शहर की हृदय स्थली है और आप जानते हैं कि भागलपुर शहर के 51 वार्ड में सबसे ज़्यादा नगर निगम की सेवा करने वाला धन के माध्यम से यही वार्ड है। और वार्ड नंबर 38 से अश्विनी जोशी मोंटी जो हमारे उम्मीदवार हैं, वह पिछले 10 वर्षों से शहर की विभिन्न समस्याओं के लिए सजग प्रहरी के रूप में काम कर रहे हैं। इसमें हम लोगों का दायित्व हो जाता है कि हम लोग अश्विनी जोशी मोंटी को अधिक से अधिक मतों से जिताएं। और हमने एक प्रण लिया है कि वार्ड नंबर 38 से जो भी कैंडिडेट हैं उसमें अश्विनी जोशी मोंटी को 51 वार्ड में अधिक से अधिक मतों से जिताएंगे, जिससे शहर की समस्या और हमारे वार्ड की समस्या जो मूलभूत समस्या है, पेयजल, शौचालय, सफाई, उस पर ध्यान दिया जा सके और वो हल हो सके। ये लोग जुटे हैं वो मोंटी जोशी को जिताने के उद्देश्य से जुटे हैं। मोंटी जोशी का जोश बना रहे और जोश आगे जा कर के जीत में परिवर्तित हो, इसके लिए हम सभी समाज बंधु यहाँ पर आज आए हैं। समाज के सभी लोग तो यहाँ हैं ही, सबकी अपील एक स्वतः अपील है जिसको बोलता है सेल्फ इन्फोर्स्ड। समाज इस विषय पर स्वयं ही उद्घृत है कि हमारे मोंटी जोशी को जिताना है। देखिए, मोंटी जी की जीत तो निश्चित है ही, अब वो बहुमत में कितना हम लोग बढ़ा सकते हैं वो देखना है और उसी के लिए हम लोग लगे हुए हैं। और हम लोग मारवाड़ी युवा मंच के तरफ से भी पूरा युवा मंच का जोश लगा हुआ है उनके पीछे, उनको विजयी बनाने में, और विजय उनकी निश्चित। आशीर्वाद तो मोंटी चूंकि हम लोगों का पुत्र है तो ऐसे ही उसके साथ है, तो ये कोई आज वक्त आशीर्वाद देने का नहीं है। आज हम लोग युवा कर्मठ उम्मीदवार मोंटी जोशी को 38 नंबर की कमान सौंपने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। और मैं लालू शर्मा, अध्यक्ष चैम्बर ऑफ कॉमर्स भागलपुर, मैं खुद अपने व्यापारी बंधु भाइयों से, अपने समाज के सभी बुजुर्गों से, महिलाओं से, बहनों से, भाइयों से एक प्रार्थना करने आया हूँ कि हमारे इस परिवार के नौजवान को, युवा को आप उत्साहित करें, आप इसे अपना
बहुमूल्य वोट दें और मोंटी को एक ऐसी विजय माला पहनाएं कि भविष्य में हर ओर आपका नाम हो और मोंटी हमारा चेहरा पूरे बिहार में कायम हो, काम करके दिखाएगा। इन्हीं उम्मीद के साथ वार्ड नंबर 38 से युवा कर्मठ उम्मीदवार मोंटी जोशी छोटा भाई खड़े हुए हैं और बड़ी हर्ष की बात है, एक साफ सुथरा छवि का व्यक्ति खड़ा हुआ है, हम लोग उसी के समर्थन में आए हैं। क्या लगता है कितना जन समर्थन मिलता दिख रहा है मोंटी को? हमको लगता है भागलपुर में सबसे ज़्यादा वोट से मोंटी जोशी, सब वार्डों में जितने भी वार्ड वोट पकड़े हुए हैं सबसे ज़्यादा वोट से मोंटी जोशी जीतेंगे, जबरदस्त जन समर्थन है, वन साइडेड है। आज हम लोग 38 नंबर वार्ड के जो हमारे सशक्त और चौमुखी विकास के जो प्रत्याशी हैं अश्विनी मोंटी जोशी, जिसके विजय के लिए, विजय तो इनकी तय है, अब हम लोग 1 नंबर से लेकर 51 नंबर वार्ड तक जो जितने भी प्रत्याशी हैं, अब हम लोग यह मेहनत कर रहे हैं कि सबसे बेसी वोट से इनका विजय हो, क्योंकि अश्विनी मोंटी जोशी एक प्रत्याशी के रूप में ने एक 38 नंबर वार्ड के समाज के लोगों का बच्चा है, इसको काम करने की जुनून है और विगत ये 2 वर्षों से काम कर रहा है 38 नंबर वार्ड में, नाला नाली पूरा बनवाया है, कोविड जैसे समय में भी इसने बहुत से कार्य किए हैं जो सराहनीय कार्य हैं, इसलिए सशक्त प्रत्याशी है, इसको हम लोग अच्छे वोटों से, अच्छे मतों से, दिल से जिताएंगे। व्यवसायियों का कितना समर्थन मिलता दिख रहा है? व्यवसायियों का इनके प्रति अभी तक करीब करीब 80-85% है और 1-2 दिन में कुछ लोग को हम लोग मिल के जाके 100% की उम्मीद करते हैं, लेकिन अच्छे मतों से ये और भारी मतों से ये। मैं आया हूँ, मेरा छोटा भाई अश्विनी जोशी मोंटी जो कि वार्ड नंबर 38 से खड़ा हुआ है, इसका आज कार्यालय का उद्घाटन था और काफ़ी दिन से मेहनत भी कर रहा है वार्ड में, और मोंटी को मैं पिछले 15-16 साल से जान रहा हूँ, इसका राजनीतिक जीवन बहुत बड़ा रहा है और शुरू से ही इसने सभी वर्गों के सभी लोगों को निस्वार्थ भाव से सहयोग किया है। ये सिर्फ 38 नंबर वार्ड ही नहीं, शहर के विभिन्न विभिन्न इलाकों में आपको जिसको जानने वाले, मोंटी को जानने वाले मिल जाएंगे, जिसको कहीं ना कहीं मोंटी ने सहयोग किया हमेशा, चाहे रात में 12 बजे जरूरत पड़ी, चाहे रात में 1 बजे जरूरत पड़ी, यहाँ तक कि कोविड के टाइम पर हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने खुद से देखा है, कोविड के टाइम पर इसने अपने आसपास के सभी जगहों को यथासंभव कोविड के टाइम पे जो भी लोग उस चीज़ से ग्रसित रहे उनको मदद की है, इस बात के गवाह हम लोग हैं। और मैं चाहता हूँ बिल्कुल हृदय से कि इतने लंबे अच्छे अनुभव राजनीतिक जीवन के बाद, जिसको कि अनुभव है कि कैसे सेवा की जाती है, कैसे चीज़ों को विस्तारपूर्वक जमीन पर लाया जाता है, ऐसे लड़के को बिल्कुल चांस मिलना चाहिए और ये मिलेगा तो इस वार्ड का भी सौभाग्य होगा और मोंटी का भी एक जो उसका संकल्प है वो पूरा होगा, उसने संकल्प ले रखा है, हम लोग सिर्फ उसके संकल्प में भागीदार हैं कि उस संकल्प को पूरा करें, वो 38 नंबर वार्ड के लिए कुछ करके बाकी एक एग्जाम्पल सेट करें बाकी करने वार्ड पार्षद लोगों के लिए कि काम कैसे किया जाता है और वो कर सकता है। बुद्धिजीवियों का वार्ड है, ठीक है, हर साल 5 साल में लोग आते हैं, बहुत सारे खड़े होते हैं उम्मीदवार के लिए, होता क्या है लोग 1 साल अपना किए उसके बाद चले गए, होता क्या है हारने के बाद भी जनता के बीच में रहना चाहिए और अश्विनी जोशी मोंटी जी ये प्रूफ कर चुके हैं 10 सालों से कि वो जनता के बीच में है, ठीक है, उनके लिए चुनाव सेकेंडरी मैटर है, ठीक है, क्योंकि वो जनता के बीच में है और शुरू से काम कर रहे हैं, बाकी लोग आते हैं जाते हैं, तो इससे बढ़िया जनता बुद्धिजीवी है, समझदार है कि किसको देंगे, जो काम होते रहेगा, जो नगर निगम चुनाव से मतलब नहीं है, उनको काम से मतलब है।